हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं एक न्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिस पर मैंने मेनली फोकस किया है वोकैबलरी पे। वोकैबलरी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है हर एस्पेक्ट से, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे हम बात करें किसी भी प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम की। तो स्टूडेंट, वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी कंफ्यूजन में रहते हैं, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। तो मैंने एक एनालिसिस किया है, रिसर्च की है, जिसके बेसिस पे मैंने आपको ये न्यू वर्ड्स दिए हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ। फर्स्ट वर्ड है अबैश। अबैश जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है एम्बैरस्ड, डिसकॉन्सर्टेड और अशेम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में हमको इसकी जो मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखी है वो भी पूछी जा सकती है सिनोनिम्स में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप इन्हें भी नोट डाउन करिए। अबैश जिसका हिंदी मीनिंग होता है शर्मिंदा या व्याकुल होना। अबैश के लिए हमने मेमोरी की क्या बनाई है फ्रेंड, बर्थडे बैश। कभी भी कोई अबैश वर्ड आपके सामने आए तो आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, दैट इज़ बर्थडे बैश। मेमोरी की को हमने एक सेंटेंस में कन्वर्ट किया है, आइए देखते हैं। आफ्टर अ फ्लॉप बर्थडे बैश रवि फेल्ट अबेस्ट। इसका क्या मीनिंग हुआ, एक फ्लॉप बर्थडे बैश के बाद रवि क्या हो गया, शर्मिंदा हो गया। बर्थडे बैश यानी कि सेलिब्रेशन। एग्जाम्पल देखते हैं अबेस्ट के, द गर्ल वॉज अबेस्ट बाय द लाफ्टर ऑफ हर फ्रेंड्स। इसका मतलब हुआ अपने दोस्तों की हंसी के कारण लड़की शर्मिंदा थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेरेंट्स आर अबेस्ट बाय देयर चाइल्ड्स बिहेवियर, मींस माता पिता अपने बच्चे के व्यवहार से शर्मिंदा है। सो हमने क्या सीखा, अबेस्ट मींस एम्बैरेस्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शर्मिंदा होना। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंड अबेट। इट्स अबेट जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है बिकम लेस इंटेंस, टू सबसाइड, टू रिड्यूस। अबेट जिसे हम हिंदी में कहते हैं कम होना। अबेट के लिए जो हमने मेमोरी की बनाई है फ्रेंड्स वो है हमारा रिवेट और डिबेट। मेमोरी की आप कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे वर्ड जो आपके मेन वर्ड से क्या हो, सिमिलर हो, सेम साउंड करते हों। जैसे देखिए, सेम साउंडिंग वर्ड यहाँ पे अबेट के क्या हो सकते हैं, रिवेट और डिबेट। तो हम मेमोरी की के बेसिस पे एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहाँ पे वर्कर क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं उनका वर्किंग आवर्स क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफर्ड रिबेट टू अबेट द डिबेट, मींस मैनेजमेंट ने क्या ऑफर किया, छूट ऑफर की, जिससे कि उनकी डिबेट यानी कि कॉन्वर्सेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ऐसे वर्ड्स क्वेश्चन में एक सेंटेंस के रूप में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अबेट के एग्जाम्पल्स देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफर टैक्स अबेटमेंट इन न्यू बजट, इसका मींस क्या हुआ फ्रेंड्स, सरकार ने नए बजट में टैक्स यानी कि कर को क्या कर दिया, कम कर दिया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है नथिंग अबेटेड हिज जील टू बिकम अ डॉक्टर, उसके डॉक्टर बनने के उत्साह को कोई कम नहीं कर सका। यहाँ पे एक वर्ड आया है ZEAL, जील, जील, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उत्साह। इंग्लिश में एक और इसका सिनोनिम्स हो सकता है एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म। सो अबेट मींस बिकम लेस इंटेंस या टू रिड्यूस, जिसे हम कहते हैं कम होना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स एबडिकेट। एबडिकेट जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है टू गिव अप, टू रिनाउंस, टू रिलिंक्विश। एबडिकेट जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्याग देना या छोड़ देना। एबडिकेट के लिए जो हमने मेमोरी की बनाई है फ्रेंड वो है अव एंड डेकॉइट। कभी भी एबडिकेट वर्ड आपके सामने आए तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, अव एंड डेकॉइट, जो कि सेम साउंड कर रहे हैं किसकी तरह, एबडिकेट की तरह। एबडिकेट, अव एंड डेकॉइट। अव जो कि हिंदी का वर्ड है एंड डेकॉइट मीन्स डाकू। अब एंड डेकॉइट के बेसिस पे एक सिचुएशन हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। सिचुएशन है कि वेयर अ ग्रुप ऑफ डेकॉइट्स आर सरेंडिंग, जहाँ पे एक डाकुओं के ग्रुप ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया है। तो हम कह सकते हैं डेकॉइट्स एबडिकेटेड देयर डेकॉइट, इसका मीन्स हुआ डाकुओं ने क्या छोड़ दिया,
अपनी डकैती करना. एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स एबडिकेट के. फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही वॉज कंपेल्ड टू एबडिकेट हिज जॉब. यहाँ पे एक वर्ड आया है फ्रेंड्स कंपेल. कंपेल का मीन्स होता है मजबूर करना, किसी को फोर्स करना. सो ही वॉज कंपेल्ड टू एबडिकेट हिज जॉब, इसका मीनिंग क्या होगा? उसे अपनी जॉब छोड़ने के लिए मजबूर किया गया. नेक्स्ट सेंटेंस है ही अग्रीड टू एबडिकेट हिज जॉब इन फेवर ऑफ हिज फ्रेंड. वह अपने मित्र के पक्ष में जॉब छोड़ने के लिए सहमत हो गया. सो एबडिकेट मीन्स टू गिव अप, जिसका हिंदी मीनिंग होता है त्याग देना या छोड़ देना. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास एब्रिएशन. एब्रिएशन, एब्रिएशन जिसे हम कहते हैं ए डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, समथिंग नॉट टिपिकल. एब्रिएशन के लिए हिंदी में हम कह सकते हैं, एब्रिएशन का हिंदी मीनिंग होता है कोई कार्य जो सामान्य से हटकर हो, या जिसे हम असाधारण भी कहते हैं. एब्रेशन के लिए हमने मेमोरी की क्या बनाई है फ्रेंड्स? एब्रेशन मींस बियर एंड रेशन. एब्रिएशन मींस हम कह सकते हैं मेमोरी की याद रखने के लिए बियर एंड रेशन. बियर आपको पता है एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, रेशन जिसे हम ग्रॉसरी शॉप भी कह सकते हैं. तो मेमोरी की के बेसिस पे हम इमेजिन कर रहे हैं एक सिचुएशन जहाँ पे गवर्नमेंट रेशन शॉप क्या कर रही है, बियर बेच रही है, सेल कर रही है. तो ये चीज़ क्या है फ्रेंड्स? एबनॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल नहीं है. तो हम कह सकते हैं हिंदी में अर्थ इसका कि कोई कार्य जो सामान्य से क्या हो, हटकर हो, उसे हम कहते हैं एब्रेशन. एब्रेशन के एग्जाम्पल देखते हैं. नंबर वन, स्नो स्टॉर्म इन द समर सीजन इज एन एब्रेशन. क्या मतलब हुआ इसका? गर्मियों में बर्फीली आंधी असाधारण है. नेक्स्ट, ही इज डूइंग सच एक्टिविटीज ड्यू टू मेंटल एब्रेशन. वह असाधारण दिमागी स्थिति की वजह से ऐसे काम कर रहा है. सो एब्रेशन मीन्स समथिंग नॉट टिपिकल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं असाधारण. नेक्स्ट वर्ड इज अबेट. फ्रेंड्स ये अबेट नहीं बोलेंगे इसको, ये है अबेट. अबेट मीन्स टू असिस्ट स्पेशली इन सम रॉन्ग डूइंग. अबेट के लिए हमने क्या मेमोरी की बनाई है फ्रेंड्स? अबेट कैन बी स्प्लिट इन टू ए एंड बेट. अबेट को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अ बेट, ए एंड बेट. बेट आपको पता है बोली लगाना, शर्त लगाना जिसे हम कहते हैं. तो अ बेट के बेसिस पे एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट इन कॉलेज आर इन्वॉल्व इन बैटिंग एंड दे आर अबेटेड बाय देयर फ्रेंड्स इन रॉन्ग डूइंग. कॉलेज में स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं बैटिंग शर्त लगाने के लिए. उनको किन्होंने उकसाया है? उनके फ्रेंड्स ने, कि वो ऐसी गलत चीज करें. अबेट का हिंदी मीनिंग मैंने आपको क्या बताया? उकसाना. एग्जाम्पल देखते हैं अबेट के. He was guilty of abetting his friend for theft. इसका क्या मीन्स हुआ? वह चोरी के लिए अपने मित्र को उकसाने का दोषी था. Guilty means दोषी, fault जिसे हम कहते हैं. Next example है, Did you abet him to commit crime? इसका मतलब हुआ, क्या तुमने उसे गुनाह के लिए उकसाया? So abet means to assist, especially in some wrong doing, किसी को उकसाना या प्रवोक करना. नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रेंड्स है अबियंस. अबियंस, अबियंस जिसका इंग्लिश मीनिंग है टेम्प्ररी सस्पेंशन. अबियंस जिसे हम हिंदी में कहते हैं निलंबन या टाल देना. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स. इसका मेमोरी की हमने बनाया है अबियंस कैन बी मेमोराइज एज बियॉन्स. अबियंस को हम कैसे याद रख सकते हैं? अबियंस से एक मिलता जुलता वर्ड आप कोई भी बना सकते हैं. हमने यहाँ पे अबियंस के लिए एक मेमोरी की बनाई है बियॉन्स, जो कि एक क्या है, फेमस हॉलीवुड सेलिब्रिटी है बियॉन्स. तो कभी भी अबियंस वर्ड आए आपके माइंड में क्या आना चाहिए? बियॉन्स. तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इमेजिन कर सकते हैं बियॉन्स इज अ फेमस हॉलीवुड सेलिब्रिटी. ड्यू टू सम इशू बियॉन्स सो इज टेम्पररी सस्पेंडेड.
बियॉन्स एक फेमस हॉलीवुड सेलिब्रिटी है, किसी इशू की वजह से, किसी कारण के वश, कोई कारणवश उसका जो शो है वो टेम्पररीली क्या हो गया है, सस्पेंडेड हो गया है, यानी कि टाल दिया गया है। तो अबियंस का मीन्स यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड, निलंबन या टाल देना। अबियंस के एग्जाम्पल देखते हैं हम फ्रेंड्स। नंबर वन, मैटर्स वेर हेल्ड इन अबियंस अंटिल नेक्स्ट सेशन ऑफ कोर्ट। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, मामले को कोर्ट की अगली सुनवाई तक निलंबन में रखा गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द वर्क इज कैप्ट इन अबियंस ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। काम को तकनीकी समस्या के कारण टाल दिया गया। तो अबियंस मीन्स टेम्पररी सस्पेंशन, किसी चीज को थोड़े देर के लिए टाल देना, निलंबन करना। नेक्स्ट वर्ड है अबोर। अबोर इंग्लिश मीनिंग इज टू हेट, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं नफरत करना। अबोर के लिए हमने क्या मेमोरी की बनाई है फ्रेंड्स, अबोर साउंड्स लाइक बोर। अबोर किसकी तरह साउंड करता है, बोर की तरह। तो कभी भी वर्ड अबोर कहीं पे आए, आपके माइंड में इमीडिएटली क्या स्ट्राइक होना चाहिए, अबोर इज लाइक अ बोर। इसी के बेसिस पे इमेजिन करते हैं, राजेश इज सच अ बोर। राजेश बहुत बोर है, इसलिए मैं उससे क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। आई जस्ट अबोर हिम। अबोर जिसका हिंदी मीनिंग क्या बताया मैंने, नफरत करना या घृणा करना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही अबोर्स द वे पीपल लीव्स देयर थ्रैश इन पब्लिक एरिया। इसका हिंदी मीनिंग हुआ, वह लोगों के पब्लिक एरिया में गंदगी करने के तरीके को हेट करता था, नफरत करता था। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, राम अवॉइड द आइडिया ऑफ पिकनिक। राम पिकनिक के आइडिया से नफरत करता था। तो अबोर मीन्स फ्रेंड टू हेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं नफरत करना या घृणा करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबल्यूशन। एबल्यूशन, एबल्यूशन जिसका इंग्लिश मीनिंग है ए क्लिंजिंग प्रोसेस यूजिंग वाटर और अदर लिक्विड स्पेशली एज अ रिलीजियस रिचुअल। एबल्यूशन जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं पवित्र स्नान या अभिषेक। एबल्यूशन के लिए हमने मेमोरी की क्या बनाई है फ्रेंड्स, एबल्यूशन को हम मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कैसे, अब एंड लोशन। अब एंड लोशन, अब जो कि हिंदी का एक मीनिंग है, एक हिंदी वर्ड है अब, जिसे हम कहते हैं नाउ। अब एंड लोशन, लोशन जो हमें पता ही है एक क्रीम है। तो हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, जनरली आफ्टर बाथ वी अप्लाई लोशन। जनरली क्या होता है, नहाने के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, लोशन। तो कहीं पे भी एबल्यूशन वर्ड आए तो आपको क्या याद करना है, अब प्लस लोशन, अब ल्यूशन। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ऑल पिलग्रिम्स परफॉर्म देयर एबल्यूशन। इसका क्या मीनिंग हुआ, सभी तीर्थ यात्रियों ने पवित्र स्नान किया। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज़ कॉमन प्रैक्टिस टू डू एबल्यूशन बिफोर प्रेयर। एक कॉमन प्रैक्टिस, एक सामान्य क्रिया होती है प्रार्थना से पहले पवित्र स्नान करना। सो हियर एबल्यूशन मीन्स अ क्लिंजिंग प्रोसेस यूजिंग वाटर और अदर लिक्विड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पवित्र स्नान या अभिषेक। ये मोस्टली मंदिरों में या हमारे रिचुअल्स में ये वर्ड आता है। नेक्स्ट वर्ड इज अब्रिज। नेक्स्ट वर्ड इज अब्रिज, जिसे हम कहते हैं टू शॉर्टन विदाउट लूजिंग द मीनिंग या टू कंडेंस। अब्रिज का मीनिंग होता है हिंदी में संक्षिप्त, किसी भी चीज को छोटा करना विदाउट लूजिंग द मीनिंग, उसकी मीनिंग को खोए हुए उसको छोटा करना। मेमोरी की क्या हो सकती है अब्रिज के लिए, अब्रिज कैन बी स्प्लिट इनटू ए एंड ब्रिज। अब्रिज को हम दो भागों में बांट सकते हैं, ए एंड ब्रिज। द ट्रैवलिंग टाइम बिटवीन टू प्लेसेस वॉज कट शॉर्ट बिकॉज ऑफ द न्यू ब्रिज। अ ब्रिज यानी कि दो जगहों के बीच की दूरी को कम करने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, ब्रिज। तो कभी भी अब्रिज्ड वर्ड आए तो आपके दिमाग में क्या साउंड होना चाहिए, अ ब्रिज, अब्रिज, अब्रिज। एग्जाम्पल देख रहे हैं अब्रिज के,
द लुक वॉज अब्रिस्ड फॉर चिल्ड्रन, इसका क्या मीन्स हुआ? किताब बच्चों के लिए संग्रहित की गई. नेक्स्ट है द एब्रिस्ड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1971, संक्षिप्त प्रकाशन 1971 में प्रकाशित हुआ. सो हियर एब्रिस्ड मीन टू शॉर्टन विदाउट लूजिंग द मीनिंग, जिसको हिंदी में हम कहते हैं संक्षिप्त. नेक्स्ट वर्ड इज एब्सकॉन्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एब्सकॉन्ड. एब्सकॉन्ड इंग्लिश मीनिंग इज टू एस्केप, टू लीव विदाउट परमिशन. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कॉमनली यूज होता है. मेमोरी की हमने क्या बनाई है एब्सकॉन्ड के लिए? ए बस ऑफ कॉन्स. कभी भी एब्सकॉन्ड वर्ड आए तो आपके माइंड में क्या वर्ड आना चाहिए? ए बस ऑफ कॉन्स. कॉन्स मतलब होता है गुंडे. तो मेमोरी की के बेसिस पे हम इमेजिन कर सकते हैं एक सिचुएशन. वी जनरली सी अ बस ऑफ कॉन्स एस्केपिंग फ्रॉम पुलिस कस्टडी इन मूवी. हम जनरली क्या देखते हैं मूवीज में कि बस ऑफ कॉन्स, एक गुंडों से भरी बस पुलिस कस्टडी से क्या करती है? भाग जाती है. तो एब्सकॉन्ड का हिंदी मीनिंग हम क्या कह सकते हैं? फरार होना या भाग जाना. एग्जाम्पल देखते हैं एब्सकॉन्ड के. द थीफ एब्सकॉन्डेड विद द बैग ऑफ मनी. इसका मीन्स हुआ चोर रुपयों के बैग के साथ भाग गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल द फैमिली एब्सकॉन्डेड आफ्टर कमिटिंग क्राइम. मीन्स क्या हुआ इसका हिंदी में? परिवार गुनाह करने के बाद भाग गया. सो एब्सकॉन्ड मीन्स टू एस्केप. हिंदी का मतलब इसका होता है फरार होना या भाग जाना. समरी एक बार देख लेते हैं जल्दी से फ्रेंड्स, जो हमने वर्ड अभी याद किया. अबैश, जिसका मीन्स होता है एम्बेरेस्ड, हिंदी में हम इसे कहते हैं शर्मिंदा. अबेट, इसका मीन्स होता है बिकम लेस इंटेंस, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कम होना. एबडिकेट मीन्स टू गिव अप, जिसे हम कहते हैं त्याग देना या छोड़ देना. एब्रेशन, ए डेविएशन फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं असाधारण. अबेट, अबेट मीन्स टू असिस्ट, जिसे हम कहते हैं उकसाना या भड़काना. अबियंस, अबियंस मीन्स टेम्पररी सस्पेंशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निलंबन या निष्कासन. एबोर, एबोर इंग्लिश मीनिंग इज टू हेट, हिंदी में हम कह सकते हैं नफरत करना या घृणा करना. एबल्यूशन, एबल्यूशन इज ए सेक्रेट बाथ, जिसे हम कह सकते हैं पवित्र स्नान. एब्रिज्ड, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में टू शॉर्टन या हिंदी में कह सकते हैं संक्षिप्त, किसी भी चीज का छोटा रूप. एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड इंग्लिश मीनिंग इज टू एस्केप, इसका हिंदी मीनिंग होता है फरार होना या भाग जाना. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.